जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने चना दाल और चावल को यहाँ पर बैटर बना कर रख दिया है और यहाँ पर हाफ पत्ता गोभी को छिल कर रखा है, एक प्याज बड़ा वाला प्याज और कड़ी पत्ता रखा है। पहले हम कढ़ाई गरम करके इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को फ्राई कर देंगे। प्याज फ्राई हो जाने के बाद उसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आई एम द फूडी कपल। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बनाऊंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की चकोली। तो यहाँ पर मैं प्याज और कड़ी पत्ता फ्राई कर रही हूँ, फ्राई हो चुका है लगभग मेरा। अब मैं डाल दूँगी इसमें मेरा जो पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी इस तरह बारीक कटी हुई करना, क्योंकि पत्ता गोभी बड़ा बड़ा पत्ता गोभी अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। चलिए पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पत्ता गोभी कोई कोई खाता नहीं है, बोलते हैं स्मेल हो रहा है, या बच्चे लोग नहीं खाते हैं। घर में एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे लोग भी स्मेल का पता नहीं चलता है, वो भी आराम से खा लेते हैं, सबको ही टेस्ट लगता है। मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। मेरा यहाँ पर पत्ता गोभी जो है फ्राई हो चुकी है, मैं इसमें हाफ फ्राई हो चुकी है। मैं इसमें डालूँगी हल्दी, गरम मसाला, हल्दी लगभग एक स्पून, गरम मसाला भी एक स्पून। अब इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो मैंने पहले चना दाल और राइस का बैटर बनाया था उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही डालकर मिला रही हूँ, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाना है। मैंने पहले से यहाँ पर तवा रख दिया था, वो गर्म हो चुका है। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप देख सकते हैं मेरा चकोली बिल्कुल रेडी। ज़रूर एक बार घर में इसे ट्राई कीजिए, अगर आपको टेस्ट लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे आप नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहला चकोली डाला था, वो मैंने डालते हुए आपको नहीं दिखा पाई। आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर उसका कितना अच्छा आया है, देखिए इसका कलर कितना ब्यूटीफुल आया है। अब मैं दूसरा डालने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहला वाला आपको दिखा नहीं पाई, इस वजह से दूसरा डाल रही हूँ। धीरे धीरे करके उसको राउंड करना है। आप देख सकते हैं धीरे 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 से उसको राउंड कर देना है और थोड़ा सा तेल दे देना है। मेरा तो चकोली बन के रेडी हो चुका है, मैं चली खाने के लिए। आपको अगर मेरा ऐसे बनाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।